हरे कृष्णा। आज हम अपने बाल गोपाल के लिए, युगल जोड़े के लिए इस तरह का नेकलेस बनाएंगे। ये देखिए बहुत सुंदर है, जर्कन में है, ये बहुत शाइनिंग वाला है देखिए। और ये 2 मिनट टास्क है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बहुत इजीली बन जाता है। इस तरह का ये मैं बनाएंगे। इसमें बीच में ये जो फ्लावर है, ये मैंने एक इस तरह का ये मैंने एक फ्लावर लिया है, ये मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। देखिए जैसे ये है, इस तरह के आपको मार्केट के अंदर बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो ये कलर्ड में था, ये कलर्ड में मैंने लिया है, और इसके साथ मैंने यूज़ करे हैं जर्कन। तो जर्कन से मैंने इस तरह का ये पेंडेंट बनाया है। ये देखिए, ये पहनाने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। और पीछे मैंने दी है डोली, ये मैंने कलावा यूज़ किया है। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैंने कोई हैवी स्टोन नहीं लिया है, ये मैं एक नॉर्मल सा स्टोन ले रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का मोती है, इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, इसको मैं ले रही हूँ। इसके साथ मैंने ये लिया है एक कार्ड, ये कोई भी नॉर्मल कार्ड ले लीजिए, उसके ऊपर अब इसको मोती को मुझे पेस्ट करना है। तो सिंपल ग्लू लगा के, ग्लू गन से इस मोती को मैं यहाँ पे पेस्ट कर, इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद ये जर्कन है, ये मैं जर्कन लूँगी जो इस तरह के आते हैं, इसको मैंने लिया। और इसकी एक लेयर अब इस स्टोन के चारों तरफ मैं पेस्ट करूँगी। तो इसके चारों तरफ मैं ग्लू लगा लूँगी। और स्टोन को, अपने जर्कन को इसके ऊपर रखकर इस तरह से पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद अब इसको मैं काट लूंगी। आप चाहती हैं तो इसी के साथ एक लेयर और लगा सकती हैं। तो उसी तरह थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाइए। डबल लेयर में ये इस तरह से हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर आप कोई और शेप भी दे सकते हैं, इसको ऐसे ऊपर ड्रॉप की तरह ऐसे लंबा खींच सकते हैं, या स्क्वायर में बना सकते हैं, किसी भी तरह से, या डायमंड शेप में, कोई भी शेप आप अपने आप और दे सकते हैं। आप किसी और स्टाइल का ये स्टोन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से स्क्वायर का स्टोन ले सकते हैं, या इस तरह से रेक्टेंगल शेप का स्टोन ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद करके अब मैं इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लूँगी, चारों तरफ से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आ गया। देखिए, अगर आप इस तरह का खुद नहीं बनाना चाहती कि आपको लगता है कि ढंग से पेस्ट नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इस तरह के मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं ये स्टोन्स। ये देखिए, इस तरह के जर्कन लगे हुए हैं चारों तरफ, इस तरह के स्टोन्स ये बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए कलरफुल में इस तरह के, या ये है, ये तो मैंने बनाया, सॉरी, ये है। इस तरह के भी कोई स्टोन ले सकते हैं, बड़ा स्टोन चाहे तो इस तरह के लेके इसके तरफ चारों तरफ जर्कन लगा सकते हैं, अगर चाहे तो इसके ऊपर भी जर्कन लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये है कि जो हम ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप कहीं भी फेविकॉल यूज़ करते हैं, तो फेविकॉल जब ड्राई होगा तो उसके बाद अपना प्रिंट नहीं छोड़ेगा, बट जब हम ग्लू गन यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो जब सूखेगा, उसके बाद वो प्लास्टिक का सा अनइवन सा प्रिंट छोड़ देगा, इसमें शाइनिंग भी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं तो फेविकॉल में शाइनिंग होती है।
इसलिए आप ये देख सकते हैं कि आपको यूज़ करना है। अब इसके बाद जब मेरा ये स्टोन तैयार हो गया है, अब मैं ये अपने जर्कल लूँगी और ये देखूँगी कि मुझे कितना लंबा पेंडेंट रखना है। अगर मुझे, मैं आइडिया लगा रही हूँ कि मुझे इतना लंबा चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितना लंबा मुझे चाहिए इसको मैं डबल कर दूँगी। इस वाले को मैंने बहुत छोटा बनाया है, देखिए ये वाला मैंने बहुत छोटा बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा लंबा रख रही हूँ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रखना चाहते हैं। ये मैंने इतना काट लिया है, अब इतना सेम साइज मैं एक और काट लूंगी। देखिए दो चेन इस तरह से मेरे पास आ गई हैं। अब इनको जिस शेप में माला होती है उस शेप में मैं इसको सेट करूंगी। इस तरह से ये मैंने माला के शेप में इसे सेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना स्टोन लगा दूंगी कॉर्नर पे, उसी तरह से, देखिएगा ये खराब ना हो। इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से ग्लू लगाइए और अपने स्टोन को उसके ऊपर लगा दीजिए। अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अच्छे प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर इसको मैं इस तरह से टर्न कर लूंगी। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से चिपका है, ये यहाँ पे इस, ये यहाँ पे इस तरह से चिपका है, ये शेप आई है पीछे की, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोनों चेन सीधी रखते हुए कोई भी धागा ले लूँगी, कलावा ले लूँगी, कोई भी आप डोरी ले सकते हैं, कुछ भी लेके अब यहाँ पे मैं अपनी ग्लू लगाऊंगी कॉर्नर के ऊपर और इस धागे को उसके ऊपर रख दूँगी। और एक स्टिक से, ये मैंने टूथपिक ली है, टूथपिक से इसे सेट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ। अगर आपसे इस तरह से सेट नहीं हो रही है तो आप कोई भी छोटा गत्ते का ये ले लीजिए, छोटा सा पीस कोई ले लीजिए और उसको रख के इसके ऊपर दबा दीजिए। इस तरह से मैं दूसरी तरफ से करूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ से कर दिया है, यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया है। दो मिनट में सूखने दूंगी। अगर आप इसकी लेयर बढ़ाना चाहते हैं, मतलब दो की जगह तीन या चार लेयर का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको देखना है कि स्टोन उतना वेट ले सके। अब इसके सूखने के बाद ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा अनइवन आएगा तो इसको मैं कटिंग कर दूंगी जितना मेरा एक्स्ट्रा पेपर होगा। बहुत आराम से कीजिएगा कि कहीं कलावा ही कट जाए आपका या आपकी जो डोरी है वही कट जाए। जितना सिर्फ एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट करेंगे दोनों तरफ से।
इस तरह से ये मेरा तैयार है। ये मैंने लौंग के अंदर बनाया है। देखिए दोनों ही तैयार हैं। देखिए इस तरह का कोई भी स्टोन यूज़ कर सकती हैं। आई होप आपको ये सजेशन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।